कई लोग हैं जो जिनकी नौकरी लग गई जिन्हें एक आध दो डिग्री मिल गई वो आजकल इस बात पर बड़ा नाकमुज हैं हुए बाबा साहब ने ऐसा कह दिया बाबा साहब ने वो समझते हैं कि शायद बाबा साहब ने मुझे कह दिया तो बाबा साहब ने कहा था उनसे कि आप मुझे क्या समझते हैं क्या मैं पाँच ग्रेजुएट से कम हूँ कहना मैं तो मानता हूँ आप पाँच ग्रेजुएट से ज़्यादा हैं तो कहना मुझे मेरे समाज में मेरे जैसे लोग चाहिए जितनी भी ज़मीन सरकारी है वो सब की सब हमारी है मैं लाठी लेकर आगे आगे चलूँगा और आप सब मेरे पीछे पीछे चलना वो सारी जमीन पर हम कब्जा करेंगे ये बाबा साहेब डाक टम्बेडकर ने आगरे में कहा था बाबा साहेब डाक टम्बेडकर ने आगरे में ये भी कहा था कि ये आंदोलन रूप रूपरथ या मैं बड़ी मुश्किल से लाया हूँ तुम तो इसे आगे न ले जा सको तो इसे पीछे बिल्कुल मत ले जाना नमस्कार मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़ आज हमारे साथ शांति स्वरूप बौद्ध हैं जो किसी नाम और तारीफ़ के मोहताज नहीं है शांति स्वरूप जी आपका हमारे चैनल में पहले तो स्वागत है बहुत बहुत धन्यवाद जी शांति स्वरूप जी आपकी ढेरों सारी किताबें आती हैं बाबा साहब और गौतम बुद्ध के ऊपर बाबा साहब का यूँ तो हर एक शब्द हर एक चीज़ हर एक वाक्य बहुत महत्वपूर्ण होता है और सोने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है लेकिन बाबा साहब ने एक आगरा में बड़ा ऐतिहासिक भाषण दिया था जो बहुत फेमस हुआ था कौन सा था वो भाषण जिसको लोग सुनना चाहते हैं वो बताएं हाँ बिल्कुल आपने सही कहा भाई सुरेंद्र जी बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर आगरा अपने जिस वर्ष उनका परिनिर्वाण हुआ था उस दिन 18 मार्च 1956 को वो आगरा गए थे आगरा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि बाबा साहब का अंबेडकर भी ऐसे शुरू होता है और आगरा भी ऐसे शुरू होता है तो बाबा साहब दिल्ली से गए थे कार में गए थे उनके साथ सोनलाल शास्त्री थे नानक चंद्र थे माई साहब सविता अम्बेडकर थी और एक दूसरी कार में कुछ और भी लोग थे वहाँ कर उनके जो लोकल बाबा साहब डाक्टर अम्बेडकर के एक सहयोगी अनुयायी जिनको उन्होंने अपनी कृपा से बहुत बड़ा इंजीनियर बनाया था वो राव साहब पूरण चंद भी वहाँ पर थे और आज आगरे की एक बहुत बड़ी शख्सियत है जिनका नाम है एडवोकेट करतार सिंह भारती उन्होंने एक किताब लिखी है बाबा साहब का आगरे का भाषण तो वो खाली मात्र आगरे का भाषण ही नहीं है वो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के आगरे के भाषण से संबंधित जो घटनाक्रम हैं पहले का भी और बाद का भी वो सारा दिया हुआ है पहले का क्या है कि बाबा साहब जब आगरा जा रहे हैं भाषण देने के लिए तो रास्ते में उन्होंने क्या क्या देखा उनका होटल में स्वागत हुआ जो वर्तमान में जो वहाँ एमएलए हैं मिस्टर चौधरी उदयभान उनके दादा होते थे उन्होंने उनका वहाँ स्वागत किया था फिर जब आगरा पहुँचे तो आगरा में जो सिकंदरा है सिकंदरा में बाबा साहेब डाक्टर अम्बेडकर के स्वागत की समता सैनिक दल ने बड़ी भारी तैयारी की हुई थी और बाबा साहब पर जो गजब की पुष्प वर्षा वहाँ हुई है वो एक इतिहास है आगे जा कर के बाबा साहब जब वहाँ रामलीला ग्राउंड में पहुँचते हैं जो आगरे का लाल किला उसके सामने वाले ग्राउंड में तो तब तक दिन ढलने को चला था और मगर बाबा साहब वहाँ पहुँच गए और अपना प्रवचन दिया बाबा साहब ने जो सबसे बड़ी बात वहाँ कही थी वो एक तो ये कही थी कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया कई लोग हैं जो जिनकी नौकरी लग गई जिन्हें एक आध दो डिग्री मिल गई वो आजकल इस बात पर बड़ा नाकमुस कोड़ते हुए बाबा साहब ने ऐसा कह दिया बाबा, बाबा साहब ने वो समझते हैं कि शायद बाबा साहब ने मुझे कह दिया बाबा साहब का ये कथन एक जनरल इंस्ट्रक्शन है पढ़े लिखे लोगों के लिए जो बाबा साहब के रास्ते पर चल रहे हैं समाज के काम आ रहे हैं पे बैक टू द सोसाइटी का पालन कर रहे हैं समाज का भी ध्यान रखते हैं परिवार का भी ध्यान रखते हैं उनके लिए नहीं है ये उनके लिए है ख़ास तौर से बाबा साहेब डाक अम्बेडकर ने जब ये अंग्रेज सरकार जा रही थी उस समय यहाँ के गवर्नर से मिलकर एक अधिकार लिया था वो ये लिया था उन्होंने कहा आपने बी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय उसके लिए तीन लाख रुपये उस वक्त तीन लाख रुपए तीन सौ करोड़ रुपए से ज़्यादा कीमत रखते थे आपने उनको दे दिए आपने तीन लाख रुपए इसको मुस्लिम विश्वविद्यालय को दे दिए मुझको क्या हमारे लोगों को क्या तो उसने कहा गवर्नर साहब ने के लिए मिस्टर गांधी आए थे और उन्होंने इस चीज़ पर डिस्कशन किया था तो बोले क्या हुआ कहले अब आपके लिए भी कुछ पैसा मिलेगा इतना तो नहीं मिलेगा मगर आपकी जो बच्चियां हैं उनको पढ़ाने के लिए मिलेगा तो बाबा साहब ने कहा बच्चे पढ़े नहीं और बच्चियाँ पढ़ जाएँ तो क्या मेरे समाज का बेड़ा गर्क करना चाहते हो जो मेरी बच्चियाँ अगर पढ़ गई और बच्चे नहीं पढ़े तो उनको उनको हस्बैंड कहाँ से मिलेंगे उनके योग्य वर कहाँ से मिलेंगे ये तो एक षड्यंत्र है पढ़ाना है तो दोनों को पढ़ाओ नहीं तो नहीं चलेगा तो बाबा साहब ने कहा था उनसे कि आप मुझे क्या समझते हैं क्या मैं 500 ग्रेजुएट से कम हूँ कहना मैं तो मानता तो हूँ आप पाँच सौ ग्रेजुएट से ज़्यादा हैं तो कहना मुझे मेरे समाज में मेरे जैसे लोग चाहिए तो सरकार को ये चाहिए कि वो अपने ख़र्चे से मेरे समाज के लोगों को इंग्लैंड पढ़ने के लिए भेजे और वो वो वहाँ से काबिल बनकर आएँ और अपने समाज के भले में लगें तो बाबा साहब ने जिन सोलह आदमियों का पहला बैच भेजा था उनका फ़ोटो भी मेरे पास है उनके नाम भी मेरे पास हैं तो वो जब वहाँ से आए आने के बाद वो किसी का पता ही नहीं चला कहाँ गए जबकि बाबा साहब ने जाने से पहले उनको बोल दिया था कि वहाँ से आकर अपने गांव परिवार का भला करना समाज का भला करना मगर वो सब कहाँ चले गए कोई मंदिर बनाने में लग गया कोई पूजा पुजापे में लग गया और खाली दो एक आदमी उसमें एक तो एन के थे और एक महाराष्ट्र के और थे वो बाबा साहब के रास्ते पर चले और बहुत चले बाकी लोग तो सब गायब हो गए उनके उस समाचार से व्यथित होकर उनके उस समाचार से पीड़ित होकर बाबा साहब को ना चाहते हुए भी ये कहना पड़ा कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने बहुत धोखा दिया समझ गए ना ये कहने का तात्पर्य उसका क्या था बाबा साहब ने एक बात और कही थी आगरे में इस देश में जितनी भी जमीन बेकार पड़ी है पड़ती पड़ती ही का मतलब जो काम नहीं आती पड़ी रहती है बंजर ज़मीन मिस्टर नेहरू को मैंने कहा था कि जो इस देश की बंजर ज़मीन है वो हमें दो हम उसे मेहनत करके हरियाली लगाएंगे खेती करने लायक बनाएंगे तो मिस्टर नेहरू ने मुझको कहा था कि ऐसी कोई ज़मीन हमारे पास नहीं है तो बाबा साहब कहते हैं अब मैं दिल्ली से यहाँ तक आया हूँ इतनी सी दूर में ही मैंने देखा कई जगह जंगल खाली पड़े हैं वहाँ कोई झाड़ी तक नहीं है तो मैं अब जा करके के नेहरू को कहूँगा मिस्टर नेहरू ये जगह हमें दे दो और हम इस पर अपने लोगों को कहेंगे वहाँ पर कुएँ बनावें वहाँ मेहनत करें और इस ज़मीन में मोतियों की खेती करें मगर अगर नेहरू नहीं मानता है तो बाबा साहब ने बड़े काम की बात कही कि जितनी भी ज़मीन सरकारी है वो सब की सब हमारी है मैं लाठी लेकर आगे आगे चलूँगा और आप सब मेरे पीछे पीछे चलना वो सारी ज़मीन पर हम कब्ज़ा करेंगे ये बाबा साहेब डाक टम्बेडकर ने आगरे में कहा था बाबा साहेब डाक टम्बेडकर ने आगरे में ये भी कहा था कि ये आंदोलन रूप रूपयरथ या मैं बड़ी मुश्किल से लाया हूँ तुम तो इसे आगे ना ले जा सको तो इसे पीछे बिल्कुल मत ले जाना बाबा साहेब डाक टम्बेडकर की एक एक बात हीरे और मोती की तरह कीमती है ये देखिए बाबा साहेब डाक टम्बेडकर जब वहाँ गए तो वहाँ उन्होंने चक्की पाट पर भगवान बुद्ध की मूर्ति भी रखी वो उसका नाम रखा पूर्वोदय हमारे मधुकर पिपलाइन जी और डॉक्टर धर्मकीर्ति जी वहीं के उन्होंने बताया कि पूर्वोदय बुद्ध विहार इसलिए नाम रखा कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की विधिवत दीक्षा से पूर्व यानी कि पहले बुद्ध विहार बन गया जो उसका नाम पूर्वोदय बुद्ध विहार हो गया सीधी सी बात है ना तो वो चक्की पाट का विहार अब वो पूर्वोदय बुद्ध विहार कहलाता है अब एक घटना और घटी बाबा साहेब डाक अम्बेडकर जब वहाँ ठहरे हुए थे रात को ठहरे अगले दिन सुबह ही जो अखबार आया तो एक तो उनको अच्छा समाचार ये ये मिला 19 मार्च 1956 को कि बाबा साहब को राज्यसभा में भेजा गया ये तो समाचार अच्छा आया एक समाचार ये भी बुरा आया कि वहाँ का एक प्रत्याशी था जो अपने आप को समझता था मैं खड़ा होऊंगा इलेक्शन में वो डाक अम्बेडकर मंच से मेरे समर्थन में घोषणा कर दें वो बाबा साहब के स्वभाव में था नहीं तो उसने भी बाबा साहब के खिलाफ एक बयान निकाल दिया वो भी उसमें छपा था बाबा साहेब डाक अम्बेडकर को जब मंच तक ले गए थे तो आगरा वासियों को नमन करना चाहिए कि वो लाठियों का साया बना के उन लाठियों के बीच में से उनको निकाल के पुष्प वर्षा करते हुए उनको मंच तक लेकर गए थे ये आगरा का जो उज्जवल इतिहास है ये जो आगरा दो चीज़ के लिए जाना जाता है एक ताजमहल के लिए जाना जाता है जो मोहब्बत की निशानी है एक बाबा साहेब डाक अम्बेडकर के 18 मार्च 1956 के भाषण के लिए जाना जाता है जो हमारे लिए क्रांति की निशानी है तो साथियों बाबा साहेब डाकटा अम्बेडकर का भाषण के नाम से सम्यक प्रकाशन एक किताब निकाली है उसमें बहुत प्रमाणिक जानकारियां हैं आदरणीय है, एडवोकेट करसार सिंह भारती जी जो अभी भी हैं आगरे में हमारे अच्छे मित्र हैं उनकी वो लिखी हुई किताब है आप उसको जरूर पढ़िए भाई सुरेंद्र जी आपने मुझसे पता नहीं कैसे कैसे विषय पे आप विचार ले लेते हैं और अच्छा लगता है आप इसी भावना से लोक कल्याण की भावना से इस काम में लगे रहेंगे ऐसी मेरी कामना है आपको भरपूर आशीष भरपूर आशीर्वाद जय भीम नमो बुद्धस अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले